नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज इस वीडियो में हम विवाह में सप्तपदी कन्या के 7 वचनों को जानने वाले हैं, वो भी उनके अर्थ सहित। अब तक हमने विवाह करवाना सीखने के क्रम में होम तक की विधि जानी थी, हवन करवाने तक की विधि जानी थी। इससे आगे जो विधि है वह सप्तपदी की विधि है। यहाँ पर कन्या 7 वचन वर से मांगती है और आचार्य जी इन 7 वचनों को संस्कृत में बोलते हैं तथा हिंदी अर्थ में कन्या को तथा अन्य लोगों को भी समझाते हैं। तो जानते हैं कन्या के 7 वचनों को। प्रथम वचन, सबसे पहले, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्याह वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या कहती है कि हे कांत, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी धर्म कार्य आप मेरे साथ करें तो मैं आपकी वामांगी बनूंगी। यह कन्या का पहला वचन था। दूसरा वचन, हव्य प्रदानैरमरान् पितृंश्च कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथाः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयं। यदि आप हविष्यान्न देकर देवताओं की, कव्य देकर पितरों की पूजा करें तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। यह कन्या का दूसरा वचन है। तीसरा वचन, कुटुंब रक्षा भरणं यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। यदि आप परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करें तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। यह कन्या का तृतीय वचन है। चतुर्थ वचन, आयं व्ययं धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं विदध्याः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम्। यदि आप आय व्यय और धान्य को भर कर गृहस्थी को संभालें तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। यह कन्या का चतुर्थ वचन है। पांचवा वचन, देवालया राम तड़ाग कूप वापी विदध्या यदि पूजयेथाः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम्। यदि आप देवालय, बाग, कूप, तड़ाग, बावली आदि बनवाकर पूजा करें तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। यह कन्या का पंचम वाक्य है। षष्ठम, छठा वचन, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रये त्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च षष्ठम्। यदि आप अपने नगर में अथवा किसी अन्य शहर में जाकर वाणिज्य व्यवसाय करें तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। यह कन्या का षष्ठम वाक्य अर्थात छठा वचन है। सप्तम वचन, न सेवनीया परकीय जाया त्वया भवे भाविनी कामिनीश्च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। यदि आप किसी पराई स्त्री का स्पर्श न करें क्योंकि मैं आपके मन को लुभाने वाली कामिनी के रूप में हूँ तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। यह कन्या का सप्तम वचन रहा है। अब जानते हैं वर के द्वारा कहे जाने वाले 5 वचनों को। वर का प्रथम वचन,
क्रीड़ा शरीर संसार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। अर्थ, जब तक मैं घर पर रहूं तब तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उबटन तेल लगाकर चोटी गूंथो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, हंसी मजाक करो, दूसरे के घर सखी सहेलियों से मिलने जाओ। परंतु जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। यह वर का प्रथम वचन था। वर का द्वितीय वचन, विष्णुर्वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवाः पंचमं ध्रुवमालोक्य साक्षित्वं ममागतः। विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई बंधु और पांचवे ध्रुव तारा, ये सभी मेरे साक्षी हैं। वर का तृतीय वचन, तव चित्तं मम चित्ते वाचा वाच्यं न लोपयेत् व्रते मे सर्वदा देयं हृदयस्थं वरानने। तृतीय वचन का अर्थ जानते हैं। हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना चाहिए, अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें मेरे पातिव्रत का पालन करना चाहिए। वर का चतुर्थ वचन जानते हैं। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपाल्यैषा पातिव्रत परायणे। चतुर्थ वचन का अर्थ, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ अति भक्ति भाव रखना चाहिए। हे पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, मेरी इस आज्ञा का पालन करना होगा। वर का पंचम वचन, बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणां प्रवर्तयेत् तस्मात्त्वं मम विश्वस्ता भववामांगगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो, अर्थात मेरी पत्नी बनो। यह वर का पंचम वचन था। यहाँ पर वर कन्या से एक और वचन मांगता है, वह भी यहाँ पर जानते हैं। मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणात्वं कुर्याः सदा सर्वमिदं सयत्नम्। इसका अर्थ है, मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त होना चाहिए, तुम्हें मेरी आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। पातिव्रत का पालन करती हुई धर्मपरायण बनो, यह तुम्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से यह कन्या तथा वर के वचन रहे। कन्या के सात वचन, वर के पांच वचन और यह लास्ट वाला वचन मिला करके कुल वर के छह वचन हो जाते हैं। इस प्रकार से यह वर तथा कन्या के वचन रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।